Stay alive. नमस्ते प्रणाम, मैं अभिषेक पटेल, ऑनर पटेल फिल्म्स। आप सबका प्यार आशीर्वाद पाके बहुत अभिभूत हूँ और बड़ी विनम्रता के साथ सभी कंपनीज मालिक, सारे डिजिटल्स को बताऊंगा कि विगत दिनों हमने अपने फेसबुक पेज से आपको आगाह किया था कि शिल्पी राज हमारे एग्रीमेंटेड हैं, जिनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, क्योंकि मेरा फर्ज था आपसे बताना। इस बीच में एक दरोगा जी हैं उदय शंकर, वो भी बेचारे बहुत गाली गलौज किए मेरे साथ और आज संजोग से वो भी हमारे मुलजिम हैं, दोषी हैं, क्योंकि मैंने ना किसी के साथ अभी तक बुरा बर्ताव किया है, ना बुरा बर्ताव सब्र करूँगा। हमारा प्रयास रहा है कि ईश्वर मेरे से गलती से भी कोई अनर्थ होने से मुझे बचाए, क्योंकि सदा मैंने लोगों का सहयोग किया है, मदद किया है, जो भी मेरी क्षमता रही है उस हिसाब से मदद किया है। अभी मार्केट में रूमर उड़ रहा था कि पटेल फिल्म वाले पैसा मांग रहे हैं। मेरी शिल्पी के मैनेजर अभय जी से एक मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझसे कुछ बातें की थी और मैंने अपनी शर्तें उनसे बता दी थी कि मुझे ना गाना चाहिए, ना पैसा चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि शिल्पी आवे, यहाँ रहे, यहाँ से गावे, पटना में आके, पटना में रहे, सारे स्टूडियो में घूम के गाए। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे स्टूडियो में आके ही गावे और मैं उसे स्वतंत्र रखूँगा। बात नहीं बनी, फिर दूसरी बार उन्होंने अपने रजिस्टर मैनेजर कमलेश जी को भेजा, कमलेश जी भी आए, कमलेश जी से मेरी बात हुई, कमलेश जी से भी मैंने स्पष्ट कहा कि कमलेश जी अभय से मेरी ये बात हुई थी और नहीं मानते तो मेरे पास तो कानून का सहारा है। लेकिन दुर्भाग्य कि पहले दरोगा से धमकी दिलवाई गई, छोटे मोटे गुंडों से धमकी दिलवाई गई, आदमी लगाया गया। मैं कहता हूँ कि सक्षम मैं भी हूँ, पोस्ट या लाइव आके मैं भी लोगों को गाली माँ बहन कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारी सभ्यता नहीं है। अगर पेपर से हम मजबूत हैं, पेपर से हम लड़ रहे हैं, तो आपको भी लड़ना चाहिए। गाली गलौज, धमकी, ये सब बचकानी हरकत करने से बचना चाहिए। हाई कोर्ट में हमने केस किया और लोगों ने हमसे कहा कि आप प्रूफ दीजिए, तो आज आप सबको प्रूफ दिखा दे रहा हूँ कि केस रनिंग है और अभी भी आप सबसे अपील है, सारे डिजिटल मैनेजर से, सारी कंपनी से, कि हमारे इस विवाद में कहीं आप न पिसें।
क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से आता है। दोस्त समय का है, तो लीजिए आप सब देख लीजिए। ये हमने केस किया हुआ है, ये है उदय शंकर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहल्ला राजा बाजार पीएस जहानाबाद टाउन डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद। यह है शिल्पी राजभर 21 वर्ष डिओ लेट राम रमेश चंद्र राजभर रेजेंस ऑफ विलेज करही पांडे पीएस भाटपार डिस्ट्रिक्ट देवरिया। ये हमने लगाया हुआ है, यह है शिल्पी राज्य का एग्रीमेंट। ये रहा जो दरोगा के खिलाफ हमने पटना पुलिस को FIR के लिए कॉपी भेजी थी। ये रहा जो पटना के SSP को भेजी थी। तो हाई कोर्ट में केस जो है ऑनगोइंग है, हमें उम्मीद है कि जीत हमेशा सत्य की होती है। अभी भी वक्त है, शिल्पी सुधर जाती है तो ठीक है, नहीं सुधरती तो हमारा कोई दोष नहीं है। हमने दो केस किए हुए हैं, अभी एक केस की कॉपी हमने आपको दिखा दिया है, जल्दी एक केस की कॉपी आपको और दिख जाएगी। चूंकि मैं लखनऊ से हूँ, इसलिए कुछ कार्रवाई लखनऊ से मैं कर रहा हूँ। आप सभी हमें प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, और शिल्पी उनके साथियों से सिर्फ इतना कहूँगा कि धमकियों से अभिषेक पटेल डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिंदगी और मौत सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। आप समझो, और आप भी जानती हो कि जीत हमेशा सत्य की होती है। दूसरा कि शिल्पी जी के डिजिटल मैनेजर मिस्टर कमलेश कुमार से भी मेरी अपील है कि आप परसों नरसों लाइव आए थे और आज बुला के हमने सारे पेपर्स उनको दिखा भी दिए हैं, और उन्होंने अपने लाइव में वादा किया था कि भैया अगर आप मुझे पेपर दिखा देंगे तो मैं आपके साथ हूँ, सारे वीडियो को मैं प्राइवेट करूँगा। तो आपसे मेरी अपील है कि मर्द की जुबान होती है, आप अपनी जुबान पर कायम रहिएगा। जो वादा मैंने आपसे किया था वो वादा निभाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमसे कोई गलती से भी अनर्थ हो, किसी को ठेस पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि मुझसे किसी का अहित हो। आज तक लोगों की मदद किया हूं, लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, क्योंकि गलत किया होता तो लोग मेरे साथ भी गलत ही होता, लेकिन अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो निश्चित तौर पे लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे, दुलार देंगे। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, प्रणाम। आप सब अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद।